कल छठवें दफा का वोट प्रचार समाप्त हुआ। बैरकपुर लोकसभा के अंतर्गत लगभग सभी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार में स्टार प्रचारकों ने हिस्सा लिया। उसी क्रम में भाटपाड़ा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी पवन सिंह के समर्थन में पालघाट रोड से एक शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें भाग लिए भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने। देखिए हमारा ये रिपोर्ट। भाटपाड़ा में सर लोगों का भीड़ क्या साबित कर रहा है? भाटपाड़ा में समीकरण यही साबित कर रहा है कि यहाँ पर भाटपाड़ा विधानसभा में पवन सिंह के समर्थन में वोट देने के लिए जन सैलाब उमड़ गया है। यही साबित करता है कि यहाँ पर जो विपक्षी का जो कैंडिडेट है अनबीटेड हार रहा है, इसमें कोई किसकी तुलना नहीं। पवन सिंह कल एक भाषण के दरमियान खुद से कहे थे कि मैं कुंभकर्ण का नींद सोता हूँ, और उस विषय को स्प्रेड हो चुका है, इसको किस तरह से आप लोग जैसे तोड़ मरोड़ के दिखाइएगा लोग उसी को देखेंगे। हमारे पवन सिंह बोले कि मैं तो खट्टा हूँ, इसका प्रमाण बहुत सारे आपको मीडिया को दे दिया गया है। वो बोले कि हमसे ज़्यादा जो यहाँ के MP साहब है, आज से नहीं 20 वर्षों से उनका जनमत यानी लोगों का मत, लोगों का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा है, इसलिए रहा है कि लोगों को साथ रहते हैं। वो बताएं कि हम साथ रहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें, अपने पापा के साथ काम करें, पापा के नक्शे कदम पर चले। बहुत सारा ऐसा काम है जो हम करते हैं,
मैंने हमसे नहीं हो पाता है उनका, जैसे वो बताए कि रात में हम थक जाने के बाद हम कुंभकर्ण के तरह सोते हैं, जल्दी हम फोन नहीं सुनाई, ये बात नहीं बोले कि हम उठेबे नहीं करते। ठीक है, आज के डेट में पवन सिंह जैसा, इसके पहले भी लोग उनको चुने थे, प्रेम से चुने थे, दिल से चुने थे, सम्मान से चुने थे, और लोग यहाँ के हिंदी भाषा भाषी हो, बंगला भाषा भाषी हो, लोग पवन सिंह को बड़ी सम्मान से, पवन सिंह सबको सम्मान देते हैं, मतलब रेस्पेक्ट करते हैं हर वर्ग के लोग के। देखिएगा आप लोग ने, चाहे हम लोगों ने, यहाँ की जनता, यहाँ का पब्लिक देखी है कि किस तरह से लोगों के साथ अपना आदर पूर्वक लोगों को सम्मान देते हुए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और सोचते हैं कि उनसे मिले तो उनसे मेरा ऐसा परिचय हो कि हम उनको जाने, वो भी हमको जाने, ताकि फ्यूचर में कभी मेरे पास आए तो हम नहीं कह पाएँ कि आपको हम नहीं जानते हैं, आपका हम काम नहीं करते। इसलिए सबसे मिलते हैं, हमारा बंगला विरोधी दल भी है बहुत सारे, देखिए आप बहुत सारा ऐसा इलाका है, जैसे आप बोल घर में जाके बात लगा, जैसे एग्जाम्पल दिए हैं भाटपाड़ा में, और बहुत सारा है पुराने लोग कॉमरेड, पुराने जो TMC है, लेकिन बोलते हैं ना कि वो बात ऐसे हम लोग को रिस्पेक्ट देता है, ऐसे बात करता है, लगता है कि हम आधे हम BJP लोग हैं, लेकिन हम लोग BJP के ही वोट देंगे। हम लोग को इस तरह से वो कर दिया, इधर बांस बागान में भी जाइए, बंगला एरिया है, बोल रहे हैं कि इतना अच्छा व्यवहार है, अब ममता बनर्जी से इतना लोग त्रस्त हो गया है कि हम लोग इस बार ना TMC को देंगे और ना मार्क्सवादी को देंगे। तो जो लोग बोलते हैं वो खुद बामफ्रंट के लोग हैं, खुद TMC के लोग हैं। तो जो हमारा सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार, 2 मई और दीदी गए, इसलिए लोग तैयार है कि दीदी को 2 मई को अगले बार के रीइलेक्शन के मार्जिन को बढ़ाया जाएगा। इस बार क्या लगता है? हाँ, कि बहुत बहुत ज़्यादा मार्जिन होगा। घटना जय श्री राम, भारत माता। चुनाव हो या न हो, मोदी का एक ही मंत्र है, विकास विकास और विकास, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रमणि शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी 108 बैरकपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रार्थी हूं। मैं आप सब बैरकपुर नगर वासियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग निर्भीक होकर मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें।